2014 में लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के करीब करीब हर मंडल में गया था। उस वक्त जब हम कहते थे भाजपा को बहुमत मिलेगा, ये आजम खान हमारा मजाक उड़ाते थे। पूर्वांचल में चले जाइए तो प्रयागराज में अतीक अहमद मजाक उड़ाते थे, मुख्तार अंसारी काशी में मजाक उड़ाते थे, मऊ में मजाक उड़ाते थे और कहते थे डबल डिजिट में तो जरा पहुंच जाओ। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 को मजाक उड़ाने वालों को जवाब दे दिया और मोदी जी की झोली कमल से भर दी। 2017 में 325 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। माताओं, भाइयों, बहनों, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है। मैं आज आपको पूछने आया हूं, आजम खान कहां है भाई, कहां है? अरे जोर से बोलो, उसको भी तो सुनाई पड़े, कहां है ये अतीक अहमद, कहां है मुख्तार अंसारी, कहां है? अगर गलती कर दी और साइकिल की सवारी करी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? और कमल निशान की पर थप्पा लगाया तो ऐसे और कई जेल में जाने के लिए लाइन लगाकर बैठे हैं मित्रों, लाइन लगाकर। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को बाहुबली और माफियाओं से मुक्त करकर यहां पर कानून का राज करने का काम किया है मित्रों, कानून का राज करने का। 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं ने कब्जाई थी, योगी जी ने ये 2000 करोड़ रुपए की भूमि खाली कराकर वहां पर गरीबों का आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक 16,000 अपहरण के मामले हुए थे, शस्त्र के साथ 4,500 से ज्यादा डकैतियां हुई, 4,900 से ज्यादा खून हुए। सभी प्रकार के अपराधों में समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था मित्रों, उत्तर प्रदेश नंबर 1 था।